हिंदू स्वराज्य गोदवले का भारत था। घाटकोपर वालों सुन लो, एनर्जी लेवल्स कहाँ गई? तो एक सेल्फी वीडियो हो जाए, ठीक है? तो आप सबको जंप करना होगा, गाना चलेगा, आंटे का वीडियो, ठीक है? मेरे मोबाइल से मैं आप सबका वीडियो कैप्चर करूंगी, करेक्ट? लेट्स सी कि घाटकोपर में कितनी एनर्जी है, ठीक है? हो जाए जन्माष्टमी की एनर्जी, हो जाए? Let's start. Music please. विनंती आहे आपण सर्वांनी मागून बोलायचे, सर्वांनी मांडले जा. जन्माष्टमी की दही हांडी हो रही है. अभी तक तो लग ही नहीं रहा था, घाटकोपर में आके मालूम पड़ा कि ऐसा भी होता है. इतना प्यार, बहुत मजा आया. मैं तो यहाँ से मेमोरीज लेके बहुत मस्ती की, नहीं बहुत मस्ती की. दिख रहा है एक्साइटेड हो दही हांडी को आने के लिए, एक्साइटेड हो. आई एम इक्वली एक्साइटेड. वंदे मातरम. Thank you Ram Charan ji for making me pass this wonderful evening. इतने छोटे में कैसे चलेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज का वंदे मातरम. मराठी नहीं आती मुझे, लेकिन आपका गाना जरूर किया. थैंक यू घाटकोपर, थैंक यू राम चरण जी. क्यों सारी कायनात आई गई ना, सारी सृष्टि, सारा संसार. ठीक है, ग्रैंड मिस्टी का कोई डायलॉग नहीं यहाँ पर बोला जाएगा. नो मोर ग्रैंड मिस्टी गाइस, इनफ ऑफ ग्रैंड मिस्टी. माझ्या घाटकोपरचे असतील, विक्रोळीचे, छोटे छोटे साऊंड वाले मेले विचारे, त्यांची काही चूक नाही, त्यांच्या सोबत आहे मी. त्यांना माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन जाईन, त्याच्यावर मार्ग काढू. पण आज त्यांनी तिरंगा हा जो आपला कार्यक्रम आहे, देशाचा जन्मदिवस आहे, तो साजरा करत असताना ज्यांनी ज्यांनी विरोध केला, सोसायटीला चाळीला साऊंड दिला नाही, त्यांच्यावर खटले भरलेच भरलेच. ज्यांना वाटतं खटले भरले पाहिजे. भारत माता की. अरे जर ते साऊंड वाले बोलले असते तिरंगा केलं ते चुकीचं केलं आणि तुमच्या चुकीला क्षमा नाही। आता आपण कायला तर आता लावायचं गाना तैयार हो तुम। मेरा मध्य प्रदेश बड़ा है इसलिए मैं नहीं नाच सकता। अक्सर पुढ़ारियों का मध्य प्रदेश बड़ा ही होता है। अगली बार आओगी तब तक मैं प्रयास करके ऐसा बेल्ट बेल्ट बढ़ाऊंगा। सारे नाराज हो जाएंगे दोस्तों और बहनों। मैं यही बोलना चाहती हूँ गाने से पहले कि माँ बाप जो हमारे होते हैं ना, शपथ लीजिए। शपथ लेंगे? शपथ लेंगे मेरे साथ? माँ बाप के लिए तो हाथ बढ़ा दो ना। जो माँ बाप है हमारे भगवान के स्वरूप होने चाहिए। दोस्तों सुन रहे हो बहनों? भारत माता की शपथ लीजिए मेरे साथ। खासतौर से लड़के जितने भी यहाँ मौजूद हैं, प्लीज शपथ लीजिए, इवन लड़कियाँ, कि जब भी सुबह उठेंगे आप, जब भी, सुन रहे हैं आप घाटकोपर वालों, आपके ना है यार, बड़ी एनर्जी दिखाओ। शपथ लीजिए मैं जब भी सुबह उठूंगा या उठूंगी, पहले अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करूंगा और करूंगी। बोलिए, पहले अपने माँ बाप के चरण स्पर्श हम करेंगे। ये हम आज जन्माष्टमी के पर्व पर शपथ लेते हैं, उनका सम्मान करेंगे। अगर शादीशुदा हो आगे बढ़े, माँ बाप की पत्नी के। मेरे घर पे मैं उनके साथ रहती हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहती है। मेरे घर पे मैं उनके साथ रहती हूँ। तो जब मैं किसी गरीब को गोद लेके उसकी सेवा कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट अपने माँ बाप की तो सेवा कर ही सकते होंगे आप। और आज मुझे उनकी सेवा करते हुए 7 साल हो गए हैं, 7 साल। और वो एक महाराष्ट्र महिला है, तो ये कृष्ण सुदामा की जोड़ी समझ सकते हैं आप। मैं उनका कृष्णा और मेरी सुदामा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ घाटकोपर पे आज राम कदम जी के न्योते देने पर आई। आपको मालूम है, राम कदम जी के एक कॉल पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर आ सकती है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। और आज उनके जो भी कर्म है, जो भी वो गरीबों के लिए कर रहे हैं, चैरिटी फंड जो भी कुछ करते हैं, मुझे ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी। आप सब भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। कि ये करना आसान नहीं है। ये जो इतनी जनता यहाँ खड़ी है ना, ये उनका प्यार और सम्मान ही है उनके लिए। आज उनके सम्मान के लिए आप इतनी दूर तक खड़े हो, इसके लिए भी बहुत पेशेंस चाहिए। इतनी गर्मी में खड़े हो ना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ खड़े हो ना, सुबह से आई में होंगे और जाते होंगे। ये सिर्फ जन्माष्टमी में नहीं, किसी भी फर्स्ट में बुलाएंगे हम उनके एक न्यौते पर खड़े हो जाते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। जोरदार तारा और अपन धन्यवाद दिया था चाइना सरकार। एक मिनट आए और चार महाराष्ट्राच्या माती जन्माला आलेली ही व्यक्ती मधुर भांडारकर। जोरदार आपण टाळ्या मधुर भांडारकर यांच्यासाठी वाजवूया। आजपर्यंत यांना चार मोठे पद्मश्री पासून राष्ट्रपती पुरस्कार यांना चार मिळाले आजपर्यंत। जोरदार अगदी मनापासून कडकडून टाळ्या आपण वाजवू। आता त्यांची हिंदू सरकार पिक्चर येऊन गेली, किती लोकांनी पाहिजे? हिंदू सरकार पाहिजे सगळ्यांनी? अजून थिएटरमध्ये सुरू आहे, जाऊन बघा। मधुर भांडारकर साहेबांचं एक विशेष आहे की खारमध्ये मधुर भांडारकर साहेबांचा जन्म झाला। सायकलवरून लोकांच्या घरी व्हिडिओ कॅसेट ते घ्यायला जायचे, ज्या भाड्याने आपण व्हिडिओ कॅसेट लहानपणी घेत असतो ना त्यावेळेस। आणि ज्यांच्या घरी व्हिडिओ कॅसेट द्यायला जायचे ते सगळे मोठमोठे फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मोठे डिरेक्टर, मोठे ऍक्टर, असे सगळे मोठे मोठे लोक होते। पण त्याच्यामध्ये दिलीप कुमार पासून देवानंद पर्यंत सगळे लोक असतील। एका गरीबाचं मूल एक दिवस देशात एवढं मोठं होईल याचं स्वप्न कुणी पाहिलं नव्हतं, पण तुम्हाला आम्हाला अभिमान वाटेल। आज मधुर भांडारकर अमेरिकेत जरी गेले तर अमेरिकेतले लोक सुद्धा त्यांना नमन करतात, सलाम करतात। की मधुर भांडारकर नावाची जागा दिया। हर पिक्चर को लेकर चांदनी बाग से हिंदू सरकार का बहुत ही अच्छा साथ दिया। थैंक यू सो मच राम जी, आप इसी तरह अच्छा काम करते रहिए, हम आपके साथ हैं, आप यारों के यार है, मैंने हमेशा कहा है। थैंक यू सो मच। भारत माता की वंदे वंदे। त्यांच्या साक्षीनं हा पुरस्कार आज आम्ही देतो आहोत। तोड़ा ताजवा बोल बजरंग थैंक यू राम जी, आपने जिस तरह से इसका आदर किया, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ बाप से बढ़कर कोई चीज नहीं है। माँ बाप जो है, अगर माँ बाप है तो हम हैं। उनकी सेवा करना, उनका प्यार पाना, उससे बड़ा तरीका से कुछ सेवा नहीं है। और जितने साथ हमारे साथ रहते हैं, हमको कोशिश ये होनी चाहिए कि उनका प्यार, हम उनको प्यार दें। हर चीज़ में उनको कुछ भी दिक्कत होती है, जब हम लोग बचपन में रोते या खिलौना चाहिए होता है, कुछ सामान चाहिए होता है, हम उनके पास रोते हैं या हम उनके पास कहते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हम बिजी हो जाते हैं अपने काम में, देख नहीं पाते या कहीं अपने व्यस्त होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से माँ बाप जो है, उससे बड़ी सेवा होनी ही चाहिए और सब लोग को करनी ही चाहिए। अपन मधुर भांडारकर साहेबांचं जोरदार टाळ्या वाजवून आपण पुन्हा एकदा धन्यवाद देऊ। तुम्ही पाहिलं असेल, जो कोणी येईल तिकडे इथे घाटकोपर मध्ये एकच सांगतोय, अनेक वर्ष हिंदी चित्रपटावर राज्य केलं, असे लेजेंड ऍक्टर जितेंद्र आपल्याकडे आलेले आहेत। जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचं जोरदार अगदी मनापासून कडकडून और अच्छा कोई सबको आप सबको मेरा जितेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी भर ये कह रहे हैं नाचने के लिए, मैंने कहा जिंदगी भर आप लोगों के लिए नाचता रहा। अब उम्र हो गई है, अब सब दो शब्द बोलना चाहता हूँ आपसे। ये हाइंडी की हाइट देखी, मेरा ऐसा मानना है कि दही हांडी के पीछे एक ऐतिहासिक राज छुपा हुआ है। वो ये, जितना आपस में जुड़ पाओगे, जितना आपस में मजबूती से जुड़ पाओगे, उतनी ऊंची हांडी को तोड़ पाओगे। तो जिंदगी में याद रखना, हमेशा आपस में जुड़ के रहना। अपनी मजबूती आपस में जुड़ के रहने में है, अलग होने में मजबूती नहीं है। ये हमारा जो त्योहार है दही हांडी का, ये जुड़ने का त्योहार है, इसलिए हम सब ऐसे जुड़ते हैं। मेरा आप सब नौजवानों को तहे दिल से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही एकता बनाए रखिए, ऐसे ही जोश में रहिए, आप जिंदगी की बुलंदियों को छू पाएंगे, ऊपर से ऊपर की बुलंदियों को छू पाएंगे। मैं राम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे यहाँ इतने प्यार, इतने स्नेह से बुलाते। दिल की हस्ती बिखर गई होती, दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते। जिंदगी आपकी नवाजिश है, वरना हम कब से मर गए होते। जय भारत, जय हिंद, जय माता दी। शहर में तो मंसूर का हक बनता है या डांस में बनता है। मैं लगा रहा हूँ माता की वंदे 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 मातरम. पुन्हा एकदा आपण जितेंद्र साहेबांसाठी कडकडून टाळ्या वाजवत त्या परमात्म्याला एकच करू की आमच्या या दिलदार कलाकाराला टाळ्या वाजवून आज या मीडियासाठी मी विशेष करून सांगतो की होमिओपॅथी या शास्त्राबद्दल अनेकांचे गैरसमज आहेत. हिंदू साहब आपको मराठी पूरा अच्छे से आता है, इसमें मैं मराठी में बोलूँ तो भी आपको समझना साढ़े सात पड़ेगा. माझ्या घरी मला सांगा वाईट करतोय बायकोला पण सांगा. माझ्या घरी माझ्या मिसेसचे 5 ॲबॉर्शन झाले. तिला इंड्यूस प्रेग्नन्सी हायपरटेन्शन नावाचा एक प्रकार असतो, त्याच्यामध्ये बाळ राहत नाही, ॲबॉर्शन होतो. मी एवढ्यासाठी सांगतोय कारण एवढे सगळे लोक ऐकत असताना त्याच्यामध्ये एखाद्याच्या घरी अडचण असेल तर त्याच्याही घरी जी आनंदाची बातमी माझ्या घरी आली ती त्याच्याही घरी येऊ शकते. हे फार लावू नको, मला होत नाही डॉक्टर विजयकर सोडून. मला सांगा अशा देव माणसाला आपण आपल्या घाटकोपरच्या मातीत महाराष्ट्र कृषक पुरस्कार द्यायचा का नाही द्यायचा? सांगा द्यायचा का नाही द्यायचा? डॉक्टरांचं नाव काय? विजयकर. काय डॉक्टर प्रफुल? डॉक्टर प्रफुल महाराष्ट्र भूषण द्यायचं. कडकडून टाळ्या वाजवा की एक डॉक्टर प्रफुल विजयकर यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला. आणि आज आपण इतक्या मोठ्या डॉक्टर प्रफुल विजयकर यांना आपण महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार डॉक्टर प्रफुल विजयकरांना आपण महाराष्ट्र गौरव पुरस्काराने सन्मानित केलंय. त्या आधुनिक होमिओपॅथीची सेवा अशीच गौरव. तुमच्यामध्ये कोणाला काही अडचणी असतील तर पाजाला त्यांचं क्लिनिक आहे आणि आम्ही आम्हाला पण म्हणतोय की आम्ही इतकी तारीफ करेल. ही इज अ मॅन हू इज डन सो मच. अँड मी खरं सांगतोय मला मी मनापासून सांगतो एक खरी गोष्ट म्हणतो. यांना काही गरज नाही, यांना पुष्कळ लीडर निवडून येतात, हे सगळं करायचं काही गरज नाही त्यांना. पण इतकी गरीब माणसांवरती इतकं प्रेम, लोकांसाठी इतकी सद्भावना. आणि मला वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे जे ये कह रहे हैं आप मेरे साथ बोलना पड़ेगा. माँ बाप की सेवा ईश्वर की सेवा है. माँ बाप की अरे जल्दी मत करो, मैं बोलता हूं. माँ बाप की ईश्वर की बस ये ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान रखना. गुरु वाले खासदार गणेश कुमार जोड़ा. देखिए भैया मेरे बहुत 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 अनेक वर्ष बड़े जब जीतू भाई हो तब मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकते ना. देखिए आदमी का सहारा आदमी से बड़ा होता है, तो आदमी थोड़ी बड़ा हो जाता है. ये बड़े आदमी से बड़े रहेंगे, बाकी उम्र तो सबकी बड़ी होती है, आदमी बड़ा कोई होता है. तो ये देखिए मैंने जिंदगी भर अब तक किसी ने काम किया है, एक वर्ड अपने हिसाब से नहीं बोला, जो किसने लिख के लिए नहीं बोला. ये अपने मन से बोलते हैं और इसको सुनने का दिल भी करता है. यहाँ पे एक सुर में बोलते हैं तीनों. ये नहीं ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, ये अलग कर रहा है, सब तीनों एक है. ऐसे आदमी को सुनना, ऐसे आदमी को फॉलो करना ये बहुत बड़ी बात है. मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे होते हैं. जय माता दी. अरे पहले मुझे ये बताओ कि गेली 25, 40 वर्ष आणि 4 वर्ष आपण एका हिरोला बघतो आणि मानतो की नाही बोला मला. गोविंद आला की ते वर चढायचं, धमाल करायची, मटकी फोडणारा हिरो म्हणून नाव विचारलं तर कोणाचं नाव पुढे येतं? अरे बोलो बोला कुणाचं नाव घेतलं बरोबर ना मग आता पण गेलं पाहिजे तर मस्ती बोलायला गेलं पाहिजे की नाही आम्ही जायला तयार आहे का रंभाव मी पुष्कळ वस्तू करायला तयार आहे फोडायला तयार आहे फोडून द्यायचं पण काय करणार माझी हड्डी माय हड्डी एकदम व्हेरी ओल्ड सो आई कॉन्ट ब्रेक सो आई टू रिट्रीट मी भाजी होतो यांना पुढे करतो हे बघा आता मोठ्या भावाने आदेश दिले तर रामाला परमिशन आहे ना परमिशन आहे ना हा मग मी 4 थरापर्यंत जाणार चालेल ना मग मला किती रुपये बक्षीस पण मित्रांनो खरंच मला असं वाटतं फक्त हिंदी फिल्म जगात नव्हे सिर्फ हिंदी फिल्म में नहीं लेकिन विश्व में ऐसा शायद एक शक्ति होगा कि जो वो 15 साल का था कभी भी दुनिया से न जाता था 25 साल का था कभी भी न जाता था और आगे तो उसकी उम्र बड़ी ही नहीं है बड़ी है क्या कभी इसकी उम्र अनेक वर्षों तक पूरे हिंदुस्तान के जवानों को पूरे बिना वही पूरे हिंदुस्तान के सब जवानों को पब्लिक को मिलता है बराबर ना पूरा बोलने लायक सामने प्रॉपर वाले में यहाँ पे ट्रेन, पूरी बिल्डिंग। हमारे बीच में अर्जुन नागपा जी है, साजिद ताई है और ऐश्वर्या राजेश जो हीरोइन है। हीरोइन को पीछे रख के कैसे चलेगा भाई? फाइट है सरांशी डांस और लोग का डायलॉग। अभी क्या बोलने का भाई लोग? कैसे सब लोग? मजा आ रहा है कि नहीं? इतने लोग आ गए यहाँ पर, क्या बात है, क्या बात है। आज क्या क्या दिन है, आज स्वतंत्रता दिवस। तो जय हिंद। गोकुलक्ष्मी तो जय श्री कृष्णा। और हमारे आमदार, नामदार, जानदार, शानदार, दिलदार राम कदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहां पर बुलाया। हम यहां पर इसलिए आपके लिए एक तोहफा भी लेकर आए हैं। हमारी फिल्म डायरी 8 सितंबर को थिएटर में आ रही है, सब जाके देखने का, आप पर्दे पे देखने का, पायरेसी नहीं करने का, समझा ना? नहीं तो मैं आके क्या करेगा? जय शंभो नारायण। कौन सा डायलॉग बोलने का अभी? बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। 10 साल जेल के 4 दीवारों में बिता रहा तो मैं बाहर आया तो डरता था कि आप लोग मेरे को पहचानेंगे कि नहीं, लेकिन आपके इस प्यार ने आज मेरा दिल जीत लिया। आज से आपका दुख, दर्द, तकलीफ सब मेरी जिम्मेवारी है। चुकीला माफी आहे। असं होणार हाँ, सब चुकते हम पछताते। पैसा चुकीला माफी नहीं, हमारा माफी आए। चलो जय शंभो नारायण। हम आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा तोहफा लेकर आए हैं। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है और इस फिल्म में कमाल का गणेश जी का गाना दिया है साजिद भाई ने और वाजिद भाई ने। वो कुछ 2-3 लफ्ज में आपको गा के सुनाएंगे अपनी लता मंगेशकर आवाज में। क्या बोलते भाई लोग? देखो डैडी तो इधर आ गए, डैडी का तो वेलकम हो गया है, बट एक बात हम नहीं भूलेंगे कि आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त है कि नहीं? हो जाए इस भक्ति का गाना। आप सब लोग गाओगे मेरे साथ? हो जाए। दंग 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 हर करम अपना तेरे तेरे वतन दिया है। आवाज नहीं आ रही है? वतन Ganesha, my lovely Ganesha for you. Sambuja Balkun, Amcha Ganesha, Karta Dhamalkun, Amcha Ganesha, Vigna Chakarko, Sambuja Balko, Karta Dhamalko. ज्यादा जोर है अभी चेक कर रहा हूं। दाई हंडी के लिए तैयार आप लोग? मेरे को लगता है ये लोग अभी बोलेंगे दाई हंडी के लिए तैयार है भाई लोग। वंदे वंदे जय शंभू। मला सांगा देवा मान जाएंगे आपके माता पिता। हमारे माता पिता ही हमारे देवा हैं। और उनकी सेवा ही ईश्वर की पूजा है और उनकी सेवा ही ईश्वर की पूजा है। सॉरी, ये जो भी ये मटकी तोड़ने वाला है मैं उनसे यही कहूंगा ऑल द बेस्ट, मगर अपना ख्याल रखना और सेफ्टी रखना, ठीक है? एक दूसरे का ख्याल रखना। हम यहाँ सब मस्ती मजाक कमाल करने आए तो उस तरीके से ही आप ये दही हंडी भी फोड़ना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। सर क्या मानना है तुमसे? लव यू गाइस। 8 सितंबर को डायरी पिक्चर देखेंगे कि नहीं? तो विजय शंभू नारायण, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुकीला माफी आए। एक